आपको नहीं, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। आज से 40-50 साल पहले शुरू में मैं कॉलेज पढ़ते समय खाना खाते समय, क्योंकि हमारे घर में माई कोई चावल साफ करके देते हैं, अगर एक दिन कोई नहीं आया तो चावल माता जी ने साफ किया, कुछ ना कुछ होता था। लेकिन मैं कभी नहीं बोलता, खाना खाते समय देखते ही खाता खाता कुछ मेला निकाल के रखता था। अपने आप माता जी बोलती थी, आज मैंने चावल साफ नहीं किया था, नहीं माई आई नहीं थी, मैंने किया था, वो दिखाई नहीं देता है। हमने कहा मैंने कुछ बोला नहीं, मैं निकाल के रख रहा हूँ, पता है। तो आप खाना बनाते खाते समय कभी नमक ज़्यादा हो गया, कब कम हो गया, कब थोड़ा लेट हो गया, तो भाइयों के अंदर थोड़ा ज्ञानी तो आत्मा है, थोड़ा शांति चाहिए, बोलना नहीं है, लेकिन तुरंत नमक पड़ गया, हाँ बोलो, कुछ नहीं बोलना, माता जी अपने आप बोलेंगे जब वो खाना खाएंगे, आज नमक डाला नहीं, भूल गया, आपने बोला ही नहीं, और जाने बाबा को भी वो बिना नमक का लग गया, बाबा चुपचाप खाता है तो बच्चे भी खा सकते हैं, है ना, क्योंकि बाप के बच्चे बाबा की याद में खा रहे हो। तो मुख से कभी बोलना नहीं तुरंत, क्योंकि आदत बहुत जन्मों की बड़ी है, अहम है, तो अहम कैसे निकलता है, आज नमक ही डाला नहीं, आज ऐसा किया, आज वैसा किया, कुछ तो कुछ गलत आता है, तो वहां वो भी कुछ बोलती, फिर आज गड़बड़ी थी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो टकराता है। अगर घर में शांति, तो आप जो बोलते हो बच्चे सुनते हैं, बच्चे भी कल ऐसे बोल नहीं सकते हैं, माता जी कुछ बोलते हैं बच्चे भी चार जवाब देते हैं माता जी को भी, कल माता जी बोल रही थी, हम कुछ बोलते हैं बच्चे तुरंत जवाब देते हैं आजकल, है ना, कल कोई पूछ रही थी तो क्यों बोल रहे, कौन बोल रहा, पति पिताजी सिखाता है, माता जी ने कुछ बोला पिताजी तुरंत जवाब देता है, एक का चार, बच्चे सुनते हैं। तो बच्चों को अगर सिखाना चाहते हो आपको भी थोड़ा सहन करना सीखना चाहिए। अगर घर में शांति चाहते हो, ज्ञानी के घर में शांति नहीं, अज्ञानी के घर में शांति होंगी, तो ये हो सकता है थोड़ा सहन करें, एक दिन दो दिन होता है, फिर भी बार बार ऐसे होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक दिन चुप रहो खाना खाते समय, बाद में आज माता जी बिजी थी, किसमें नमक ही नहीं डाला, आज चाय में चीनी ही नहीं डाली, वो बाद में बताना, चाय बन गई आप कह दो चीनी डाल के ले लो, थोड़ा नमक कम हो गया नमक डाल के ले लो, आपकी इच्छा के अनुसार खाना नहीं बना, सब्जी नहीं बनी, आप नहीं खाओ निकाल के रख दो, तो पूछेंगे आज खाना नहीं खाया, सब्जी नहीं खाई, ठीक नहीं, मुझे ठीक नहीं लगा, अपने आप कल आपकी इच्छा के अनुसार पूछ के बनाएंगे आज क्या खाना बनाना चाहिए, कल पूछेंगे क्यों हम दो दिन तीन दिन बनाते खाते नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बोलना नहीं, कोई भी आज शिक्षा नहीं चाहता है, माता जी अपने अनुसार खाना बनाती है, खाते नहीं है तो दूसरे दिन पूछ के करेंगी, आपने कल नहीं खाया, ये खाना बनाओ ये बनाओ पूछेंगे, तो आपने शिक्षा देना मुख से नहीं आचरण से, तब जाके गृहस्थ में शांति हो सकती है। दो काम,